सद्दाम अंसारी। बचपन से अभिनय का शौक रखने वाले सद्दाम अंसारी का अभिनय के प्रति लगाव ही था कि वो मुंबई के ऑडिशन स्कूल में अभिनय की बारीकियां सीखने चले गए। तू इस नेहा से सचमुच प्यार करता है? नहीं तो तुझे किसने कहा यार, वो सब तो मजाक कर रहे हैं। देख ये सब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, समझा? वो देख अतुल को कैसे स्नेहा के साथ लगा हुआ है, और तुझे लगता है उसे छोड़ के स्नेहा तुझे हाँ बोलेगी? उसके बाद वे मुंबई में स्थित एक थिएटर से जुड़ गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी कला को और निखारा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, जिसने तेरा साथ दिया तूने उसी को बलि का बकरा बना दिया। अरे ऐसी दोस्ती पर थू है। देव भाई ये करना जरूरी था, वरना सृष्टि मेरी कभी नहीं होती, समझा? एक लड़की को पाने के लिए तूने अपने दोस्त को मार डाला। और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर को नया मोड़ देते हुए मुंबई में ही काम पाने के जद्दोजहद में लग गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं दास्तान स्ट्रगल पे सद्दाम अंसारी। हेलो सद्दाम भाई, कैसे हैं आप? सद्दाम भाई सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि आपका नाम आरब है या सद्दाम अंसारी, क्योंकि कहीं आपको आरब के नाम से जानते हैं लोग और कहीं सद्दाम अंसारी के नाम से। मेरा रियल नेम जो है वो सद्दाम अंसारी ही है, आरब जो है मेरे भांजे का नाम है जी, जो कि मैं उसका नाम अपनी बाइक पे लिखवा के घूमता था तो लोग मुझे इसी नाम से जानने लगे। तो वो है आरब की कहानी। हाँ जी। आप रियल में आरब नहीं हो? मैं नहीं, लेकिन अभी भी आरब बोलते तो आप कहते हो ठीक है अरबी लाइन। हाँ, जब लोग कहते आए काफी टाइम से तो कहते हाँ ठीक है ठीक है। पहली बार कब जहन में आया आरब भाई और सद्दाम भाई की आपको आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है? बचपन से ही था। क्या उम्र रही होगी? 13-14 साल। 13-14 साल में आपको ये हो गया कि जाना है? सद्दाम भाई एक आर्टिस्ट के लिए सबसे सौभाग्य का दिन होता है कि जब वो कैमरा फेस करता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नर्वस भी वो उसी दिन के लिए होता है। बिल्कुल। तो जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कैसे वो चांस मिला था कैमरा फेस करने का, कैसे वो सरकम चांसेस बने थे आपकी जिंदगी में? मुझे मिला था फर्स्ट टाइम जब मैं ऑडिशन स्कूल में था जी, और लास्ट चल रहा था हमारा, तो हम उस टाइम मतलब काम के लिए सोचते थे काम मिले, तो एक ऑडिशन आया तो अनुग्रह अग्निहोत्री सर बोले कि ऑडिशन आया हुआ है इस कैरेक्टर का है, तो 2-3 बच्चों को सेलेक्ट किया कि तुम लोग जाके दो ऑडिशन। तो हम लोग गए तो उसमें से मेरा, मेरे भाई का और एक दो और लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। फिर उसके अगले दिन हम लोग सेट पे गए, फिर वहाँ गए तो हमें जाने से पहले तो बहुत खुशी थी कि मतलब सेट पे जा रहे हैं हम, कलर्स चैनल पे जा रहे हैं। कौन सा शो था? वो है इंडियाज मोस्ट सनसनीखेज कहानी, जो कि अभी वूट पे अवेलेबल है और जो कलर्स चैनल पे टीवी पे इस महीने के लास्ट में टेलीकास्ट होगा। वूट पे हो गया टेलीकास्ट? हाँ वूट पे हो चुका टेलीकास्ट। तो पहले तो बहुत एक्साइटेड थे हम कि हम जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पहुंचे जब देखा इतना मतलब सब कुछ अलग था, कैमरे इतने बड़े बड़े, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काफी लोग थे, सबके सामने कैसे करेंगे। फिर कुछ बातें ध्यान में आई शोएब सर की कि मतलब नर्वस नहीं होना, कर डालना जैसे करना हो। तो फिर हमें मौका मिला तो हमने वन टेक में हमने सब ने किया और लगभग सभी ने सही किया हमने, तो वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। क्या पेमेंट मिला था उसके लिए आपको? उसका मिला था 3,500 रुपये पर डे। पहला काम और पहले बार में पैसा मिल गया होगा तो बिल्कुल मजा आ जाता है। जी जी बहुत मजा आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर और चाह होने लगी और काम मिले, लेकिन फिर चाहते थे हम कि मतलब और सीखना भी चाहते थे, फिर काम के लिए भी हम सोचते थे, लेकिन सर ने बताया कि काम के पीछे मत भागो, पहले अपने आप को मतलब सही करो, अपनी एक्टिंग पे काम करो। और हम तो नए थे तो फिर हमने थिएटर वगैरह ज्वाइन किया, फिर उसके बाद इसी में लगे हुए अब कर रहे धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो भी है कर रहे। दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा किया आपने उसके बाद? दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा जय माँ वैष्णो देवी। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी है कि मैं घर पे था और ऑडिशन देने जाते ही नॉर्मल, तो ऑडिशन देने गया, उसमें एक छोटा सा सीन के लिए सेलेक्ट हो गया मेरा, तो बस हो गया। वो उसमें कुछ पेमेंट वेमेंट मिला? हाँ उसका 2500 रुपये था। वो और ज्यादा मजेदार हो गया? और मजेदार था। फिर ये था कि मतलब ऐसा लगने लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। जो आप बोल रहे हो ना सीखना कितना जरूरी है, सीखना तो मतलब है ही है एक एक्टर के लिए, और जितना सीख लो उतना कम है।
आपने SKF सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया हुआ है, वो तो एज असिस्ट किया है मैंने, असिस्ट को असिस्ट किया है। तो वो कैसा सीन था और वो चीज, जैसे कि मुझे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे सीखने की बहुत थी जी, तो मैंने किसी से कांटेक्ट किया था कि मतलब मुझे बस सेट पे सीखना है कि मतलब क्या है क्या ये चीज, तो किसी से बात हुई थी तो वो मुझे लेके गई थी मैम, तो मैंने वहाँ देखा तो मुझे मौका मिला उसमें काम करने का, तो उसमें कुछ पेमेंट मतलब खर्चे के हिसाब से मिलता था मेरे को, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता था वहाँ पे मेरे को। कितना अलग होता है छोटे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना या छोटे सेट के लिए काम करना और सीधे सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन के लिए काम? फर्क तो बहुत जमीन आसमान का होता है, सलमान खान फिल्म्स का तो आपको पता ही है। सद्दाम अंसारी मुंबई एक्टर बनने गए थे जी, बिल्कुल, एक्टर से प्रोडक्शन में काम करने लगे और प्रोडक्शन से राइटर बन गए, ये क्या जर्नी है? राइटर नहीं हूँ मैं, नहीं राइटर मतलब हो आप, एक एक्टर राइटर भी होता है कि लिखना पढ़ना पढ़ते रहो फिर उसको लिखते रहो, तो कोई राइटर नहीं हूँ मैं, एक्टर ही, मुझे एक्टिंग ही अच्छी लगती है। लेकिन एज राइटिंग में आप कुछ तो कमाने लग गए हैं आजकल, ऐसा पता चला है मुझे। नहीं, लिखने का शौक है तो उसको कर दिया सर, करते हैं खाली टाइम में। अभी फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, आपको किस में परस्यू करना है, एक्टिंग में ही रहेंगे या फिर? एक्टिंग में रहना एज एक्टर। हाँ, एज एक्टर। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता का बैकग्राउंड क्या था, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जन्म तो हमारे यहीं पर रुद्रपुर उत्तराखंड में हुआ है जी, और उसके बाद हाई स्कूल तक तो मैं नवज्योति में पढ़ा, आपको पता है जी, उसके बाद फिर छोड़ दी पढ़ाई वगैरह एक्टिंग के चक्कर में। और हम, मैं कोई इतना बड़े फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, और अभी मेरे पापा है नहीं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी बहन है, मेरी बहन, पांच बहन है मेरी, बहुत सपोर्ट करती है मेरे को जी। और भाई है मेरे बड़े, भाभी हैं, बहुत सपोर्ट करती है मेरे को, मम्मी है मेरी, और पापा थे, तो पापा तो मतलब सपोर्ट करते ही थे, तो ही मैं यहाँ तक हूँ, और अभी मतलब मैं कर ही रहा हूँ, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, कर ही रहा हूँ। एक इंसिडेंट पता चलता है कि जब वायरल मूवी शूट कर रहे थे, उसी बीच आपके पिताजी कौन से हॉस्पिटल में देहांत हो गया था, किसी हॉस्पिटल में, जॉलीग्रांट, और रात में उनका देहांत हुआ और आप अगले दिन कंटिन्यूटी के साथ शूट कर रहे थे, तो वो कितना मोमेंट, एक इमोशन और एक किस तरीके से वो काम कर पा रहे थे आप? शूट, ऐसा शूट चल रहा था वायरल मूवी का जी, तो मतलब किसी वजह से रुक जा रहा था, पापा की तबीयत खराब थी तो मुझे लेके जाना पड़ रहा था, कभी दिल्ली, कभी जॉलीग्रांट, कभी कहीं, कभी कहीं, तो सामने से भी प्रेशर था कि शूट कंप्लीट करना है, सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं, और मतलब मुझे अपने पापा को भी देखना था जी, तो मैं बीच बीच में नहीं जाता था, तो मेरी वजह से काफ़ी चीज़ें रुक जाती थी, और यहाँ पे मैं पापा को छोड़ नहीं सकता था, तो एक बार लेके जाना था पापा को, लेकिन मैं ना वहाँ किसी और को भेज के मैंने शूट किया था, और मतलब नेक्स्ट डे ही पापा की डेथ हो गई थी मेरे, लेकिन वहाँ मैं ले गया था, जॉलीग्रांट में ले गया था, एक दिन पहले मैंने शूट किया था। उस चीज़ का रिग्रेट है आपको भी? सद्दाम भाई, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे मुंबई के लाइफ के बारे में, क्योंकि जो छोटे शहर के आर्टिस्ट होते हैं वो पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के इंटरव्यू की वजह से या कुछ लोगों के मिस गाइडेंस की वजह से भी वो नहीं जा पाते हैं। कितना खर्चीला शहर है मुंबई, या रहना कितना आसान है या कितना मुश्किल है वहाँ? खर्चीला कहो तो सर, करने को बहुत खर्चीला भी है, और अगर आप कर सकते हो एडजस्ट तो बहुत नॉर्मल से भी आप रह सकते हो वहाँ पे, ये कि आपको ज़रूरत है किसी के सपोर्ट की वहाँ पे जी। हाँ, तो आपको, आपके पास अगर सपोर्ट है किसी का तो आपको गाइडेंस करेगा, वो गाइड करेगा आपको वो, और नहीं तो आप वहाँ कटते फिरोगे। किस एरिया में रहते थे आप वहाँ? मैं पहले रहता था नायगांव में जब फर्स्ट टाइम था, तो उसके बाद फिर मैंने, तो वहाँ का क्या रेंट है? वहाँ का रेंट था ऐसी 5,000 रुपये था, क्योंकि वो मुंबई से बहुत आउट में है, 1 आवर के। हाँ, 1 आवर के, बहुत आउट में है, 40-50 किलोमीटर के समथिंग। हाँ, 40-45 किलोमीटर था नायगांव से मेन मुंबई का जी। उसके बाद फिर हम, लॉकडाउन लगा उसके बाद फिर हम वर्सोवा में शिफ्ट हुए जी, वर्सोवा मेन मुंबई में, क्योंकि वहीं ऑडिशंस होते हैं, आराम नगर पार्ट टू, जोशी ओशिवारा वगैरह वगैरह, मतलब वहीं मेन गढ़ वही है ऑडिशन के लिए, तो हमने वहीं रूम लिया, उसका 12,000 रुपये रेंट था 1 BHK का, जिसका बिजली वगैरह का सब अलग अलग हिसाब किताब था, तो हम 5-6 लोग मिलके रूम लिया उसे, तो उसके बाद वहाँ, उसके बाद फिर दोबारा जब लॉकडाउन लगा वापस घर आए, फिर इसके वापस गए, तो फिर वहाँ जाने लायक कंडीशन नहीं थी हमारी, 12,000 रुपये पे करने लायक नहीं था, उसके बाद हमने किसी से सेटिंग बिठा के फिर मलाड में
मालवानी में एक फ्लैट लिया वनार के, जिसमें चार लोग रहते थे हम लोग, उसका रेंट है 6,500 रुपये, जो कि इतना ठीक नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही रहने लायक है। वहाँ के चौलों का क्या माहौल है? चौलों का मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है चौलों में, पानी से लेके वॉशरूम से लेके सभी चीज़ की प्रॉब्लम्स है, रहने वाले रहते भी हैं। एक आर्टिस्ट जब छोटे शहर में होता है तो उसका बहुत बड़ा सपना होता है कि वो मुंबई पहुंच जाए, मुंबई को देखे। पहली बार आप जब मुंबई गए और पहली बार जब स्टेशन पे उतरे तो क्या मोमेंट हुआ, क्या फीलिंग होगी? सबसे पहले फोटो क्लिक कराई थी उतरते ही बोरीवली में। अच्छा। उसके बाद तुरंत फेसबुक पे पोस्ट किया था। कौन कौन से संग में दोस्त थे? मैं था और मेरा भाई था रिजवान, और एक मेरी फ्रेंड थी प्रज्ञा शर्मा, और ऋषिका कुमारी जो पंतनगर में है। हम चार लोग यहाँ से गए थे। सबसे पहले उतरते ही फोटो क्लिक कराई, वहीं फेसबुक पे पोस्ट किया, उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने सोचा मुंबई जाएंगे, लेकिन हम पहुंचे थे नायगांव, थोड़ा आउटर में, स्कूल आउटर में था ना, इसलिए फिर फर्स्ट टाइम स्कूल के लिए गए थे। हाँ, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए गए थे हम लोग, तो फिर स्कूल गए, वहाँ से फिर ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करी, फिर उसके बाद फिर हम अपना रहने लगे। कास्टिंग काउच होता है मुंबई में? हाँ, इस इंडस्ट्री में बिल्कुल, अगर आप करवाओगे तो होगा, नहीं करवाओगे तो नहीं होगा, लोग पीछे पड़ते हैं कास्टिंग। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई ये नहीं होता कि हाँ करवाना ही, आपको आपके सामने रखेंगे ऑप्शन, बाकी आपकी मर्जी है। ये जो इंडस्ट्री का एक माहौल है कि आर्टिस्टों से पैसे लेके और पैसों लेने के बाद ही आर्टिस्टों को काम दिया जाता है, क्योंकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। किसी आर्टिस्ट के पास अगर पैसा ही रहता तो वो इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। एक तो स्ट्रगल कर रहा होता उसके सामने, उसके बाद भी कहते हैं कि आपको काम अगर चाहिए तो आप मेरे को पैसा पे कीजिए और फिर हम आपके साथ काम करेंगे। तो ये क्या माहौल है, कुछ इन माहौलों से कभी गुजरना हुआ या आपके जानने में ऐसा कुछ हुआ, और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग पहले ही दे दी गई थी जी, कि ऐसे लोग हमें मिलेंगे, और ऐसे लोग मिले भी, लेकिन हमें पता था कि क्या चीज़ गलत है, क्या गलत सही है, तो कभी हमारा ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा हमारा। और बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जो पैसे दे के काम दे वो काम देगा ही नहीं आपको, अगर आप में टैलेंट है तो 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। आप ऑडिशंस दो, मेहनत करो, रोज जाओ। हम भी जाते थे, अभी लॉकडाउन हो तो घर पे, तो बस मेहनत से काम मिलेगा, ऑडिशन से ही काम मिलेगा, ऑडिशन से काम मिलेगा, ऑडिशन से ही काम मिलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आप पैसे दे के काम नहीं ले सकते, बहुत बहुत पैसे वाले पड़े हैं, उनको काम नहीं मिलता। और एक बार काम मिल भी गया तो फ्यूचर आप सिक्योर तो नहीं कर सकते, नहीं उस तरीके से, नहीं आपको मेहनत करनी है। सद्दाम भाई, आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं काम करने के लिए इस लाइन में? बस करना ही यही है। अब चाहे ये था कि मेरे पापा का भी ड्रीम था ये, और मेरी बहनों का भी ड्रीम था, और मतलब सभी चाहते थे, भाई भाई सब, मम्मी उम्मी की, मतलब मैं इसमें ही बढ़ूँ, और मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया, तो मतलब उनको भी देखता हूँ कि मतलब हाँ इन लोगों ने इतना किया है और मुझे इतना आगे भेज दिया, जितना भी भेजा मेरे को। और उस पर ये कि मुझे गुरु भी ऐसे ही मिले मेरे को जो सिखाने वाले थे, शोएब खान जी। हाँ, शोएब खान जी, और एक हमारी मैडम भी थी जिनका नाम है डॉली मैडम, सबसे पहले उनसे ही मिला था मैं रुद्रपुर में, उन्होंने ही मुझे सब बताया था। डॉली मैडम थी, वो भी मुझे बहुत मतलब सिखाती थी। शोएब सर मिले, मनोज सर मिले, तो मतलब मोटिवेट ऐसे ही होता है। मैं जो नए कलाकार हैं जो आर्टिस्टिक फील्ड या एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या राय मशवरा है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मतलब सीखने के लिए जी, बिना सीखे काम नहीं मिलेगा आपको, सीखो, उसके बाद काम के पीछे मत भागो जी, सीखते रहो तो उसके बाद ही काम मिलेगा आपको जी, सीखने के बाद। और सेकंड स्टेप ये है कि किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो जी, जो कि कहे कि मैं पैसे दे के तुम्हें काम दिलवाऊंगा या मैं मेरे जानने वाले हैं मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है सबसे पहली बार। हाँ, रिलेशन बनाओ उनसे, अच्छी तरीके से रिलेशन बना के रखो ताकि तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन काम नहीं दिलाएगा कोई, काम कोई नहीं दिला सकता आपको। बॉम्बे में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं कि मतलब ये आए तो मैं इससे पैसे ऐठूँ और इसको काम के बहाने कर दूँ, और काफ़ी सब जगह है ऐसा, जहाँ जहाँ मतलब ये सब चल रहा है शूट वगैरह जी, वहाँ सब ऐसे ही है, पैसे ले लेते और काम नहीं देते। इवन अपने छोटे शहर रुद्रपुर में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो लोग जेन्युइन होंगे हाँ
देखो सबको नहीं कह सकते, बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग नहीं भी, बहुत से लोग मेहनत भी कर रहे हैं। सद्दाम भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है आर्टिस्टिक फील्ड में या एंटरटेनमेंट फील्ड में, कितना समय और देंगे आप? समय देना क्या है, पूरा समय दे दिया मैंने, जी अपनी पूरी जिंदगी दे दी एक्टिंग को। अब जितना टाइम लग जाए, जितने टाइम में मैं सक्सेस हो जाऊं, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, करना यही है, जी। अब यही करना है। आपका एक चैनल है जी यूट्यूब पे, जी क्रिएटिव आर्ट टेस्ट ऑफ सिनेमा, सिनेमा जी। हालांकि आज तक मैंने देखा नहीं है, अच्छा मैं वो आता है इन लिंक वगैरह एक दो बार। मेरा भाई बता रहा था काफी अच्छा बनाते हैं आप, हाँ आप लोग की टीम है काफी अच्छी, बिल्कुल। उसके माध्यम से आप काफी कलाकारों को मौका दे रहे हैं, जी ये बहुत एक अच्छा और शुभकामनाएं है मेरे तरफ से कि आपका चैनल आगे बढ़े। तो सद्दाम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी जर्नी को जानकर। आप इतना मोटिवेटेड रहते हैं, आपके इंटरव्यू से बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होंगे। तो सद्दाम भाई क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म चाणक्य के दर्शकों को? बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो आपसे मिलके, चंदन भाई से मिलके जी। और आप लोग ऐसे बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग ले लेके आते हैं जिनसे मतलब लोगों को सीख मिले जी। तो दोस्तों ये कहूँगा, चैनल को लाइक करें, कमेंट करो, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे भाई का चैनल है फिल्मी चाणक्य। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे सद्दाम अंसारी भाई, जो कि एक एक्टर हैं, प्रोडक्शन में भी कुछ छोटा मोटा करते रहते हैं और एक बेहतरीन राइटर हैं, जिन्होंने शुरू किया था एक ऑडिशन स्कूल से, सीखने गए थे एज ए एक्टर। उसके बाद शोएब खान सर, जो कि बहुत जाना माना थिएटर का नाम है मुंबई में और वर्ल्ड वाइड भी बहुत उनकी एक छवि है एक्टिंग में, एक्टिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ रहे, उनके थिएटर में काम किया, वहां से अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, कलर्स का शो किया, स्टार उत्सव का शो किया, काफी चैनल्स के लिए शो किए हैं, वेब सीरीज भी की है जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सद्दाम भाई के इंटरव्यू से ये पता चलता है कि सीखना कितना जरूरी है, कि मोटिवेट रहना कितना जरूरी है। तो आप सीखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, ये इंटरव्यू आपको बहुत हेल्प करेगा आपको इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। फिर मिलता हूँ मैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।